भारत के अंदर दो ऐसे नेता थे जिन्होंने वंचितों के लिए, दलितों के लिए और उस समुदाय के लिए सदियों से जिनकी आवाज को दबाया गया था, उनकी आवाज को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे श्री जोगेंद्रनाथ मंडल। अब याद करिए, जिसने थोड़ी भी इतिहास पर और भारत की त्रासदी की उस विषय पर कभी कुछ अध्ययन किया होगा, उसको मालूम होगा कि जब कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से परास्त करवा दिया था, चुनाव हरवा दिया था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए अपनी सीट छोड़ने का कार्य किसी एक व्यक्ति ने 1946 में किया था, तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने वेस्ट बंगाल से कोलकाता से उनके लिए सीट छोड़ी थी। ये वही जोगेंद्रनाथ मंडल है। दोनों समकक्ष नेता थे वंचितों के, दलितों के, लेकिन दोनों में एक अंतर था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने सदैव इस बात का हिमायत किया था। आपको याद होगा आगे जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैदराबाद के निजाम ने उनको लालच देने का कार्य किया, उन्होंने ठुकरा दिया था और उन्होंने देश के वंचितों और दलितों का अवमान किया था कि निजाम के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, इसकी वास्तविकता को समझो। बहुत सारे लोगों ने उनको भी लालच दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्ना के बहकावे में आ गए, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के कानून मंत्री बनते हैं और जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के कानून मंत्री बनते हैं। भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के अंदर कानून मंत्री के रूप में और उसके बाद भी उन्हें सम्मान मिला, भारत ने उन्हें भारत रत्न दिया। मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनसे जुड़े हुए 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल अक्टूबर 1950 में पाकिस्तान के अंदर दलितों पर, वंचितों पर हो रहे अमानवीय और बर्बर अत्याचारों से इतने खिन्न हुए कि उन्हें अपनी जान बचा करके इसी भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था और वे भारत आए, गुमनाम मौत भारत के अंदर मरने के मजबूर हुए थे। ये है भारत के अंदर दो उन वंचित नेताओं की आवाज, जिसमें से एक भारत रत्न बना और उनसे जुड़े हुए स्थल भारत के अंदर पंच तीर्थ के रूप में स्वतंत्र भारत में उन्हें सम्मान मिला है, और दूसरे जोगेंद्रनाथ मंडल जो पाकिस्तान के साथ गए थे, अंत में गुमनाम मौत मरने के लिए मजबूर।